देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नीचे उतरो। नहीं शिव, मुझे पता है कौन सा फ्यूज है। ईशानी, तुम पहले इस घर में बहुत कुछ कर चुकी हो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे उतरो। मैंने पूछा ये दिल से, मैं क्यों हूं जहां में, एक धड़कन बोली तेरे लिए। मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी, नई दुनिया बसा दी तेरे लिए, तेरे लिए। सब लोग थोड़ा जल्दी जल्दी डिनर करो ना, आज मेरा फैशन शो है और मैं लेट नहीं हो सकता, इट्स ऑलरेडी 8। हाँ हाँ, पता है तेरा फैशन शो देखने जाना है, इसीलिए तो सब जल्दी डिनर कर रहे हैं। ओए पुत्र जी, आज मैनू माफ कर दे तू, मेरे को ना बहुत थकान लग रही है। हाँ, लेकिन अगली बार मैं जरूर आऊंगी। हाँ जी, ठीक है मामी जी, आप रेस्ट करो। यस सुन, मेरी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आई विल बी देयर बट आई विल बी लेट। क्या भाई, पर थोड़ा जल्दी ट्राई करो ना आने का। ऑफ कोर्स। और डिंपल यार, दाल फड़े जरा। बस एक बार मामा जी की छड़ी बदल दो तो पेन ड्राइव तो मिल ही जाएगा, फिर कभी कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा मुझे। ये क्या किया तूने? तू यहाँ हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर क्या कर रही है? I'm sorry, गलती से हो गया, मैं तो बस मदद कर रही थी। मदद कर रही थी ये? हाँ? और मेरी जानू जी को जलाना चाहती है? और तुसी टीवी को जानू जी? मैं अभी साफ करती हूँ। गोपी जा जल्दी से चेंज कर ले। ठीक है, मैं आ गया 2 मिनट में चेंज करके। चलो भी चलो, हो गया तैयार। चलो जल्दी, चलो चलो। क्या सिया,
यार मेरी छड़ी पे तो निशान था यार, वो निशान किधर गायब हो गया? भाई गॉड की कसम अभी तो पैग लगाने भी शुरू नहीं करे। यार ये तो मेरी छड़ी लगी नहीं रही। तेरी वो पेन ड्राइव किधर गई? क्या बसूड़ी है? साफ करती हूँ। इसका मतलब वो पेन ड्राइव उसे शानी के हाथ लग गई होए। ओए जानू जी, ओ मैं क्या जानू जी, घर से निकलते ही मेरी याद आ गई। अच्छा भाई, वो एक बहुत बड़ा छापा हो गया यार, और शिव को बर्बाद करने वाला वीडियो जिस पेन ड्राइव में था ना, वो पेन ड्राइव शानी के हाथ लग गई है, और उसकी दूसरी कॉपी भी मेरे पास नहीं है। हमें कैसे भी करके ना वो पेन ड्राइव ईशानी से निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ईशानी की जबान ना और रुकनी नहीं है, उसने शिव को सब कुछ बता देना है और साडा पैसे और पावर का सपना ना हवा में फुर हो जाना है। तू घर पे आना इस वक्त। हाँ। ईशानी पे नजर रख, मैं उन्हें आ गया, वो हमें अभी क्या ना वो पेन ड्राइव उसे निकालनी पड़ेगी, नहीं तो सारी जमीन खो जानी है। मैं आ गया अभी। ईशानी रुक तू। माँ आज सारा सच शिव के सामने होगा, सबूत के साथ जाऊंगी, तभी वो मेरी बात का यकीन करेगा। वो मैं क्या रुकू है, कितने जा रही है, खुद को बहुत चालाक समझती है, शातिर समझती है, और नीना चार आंख से चार कान लेके चलती है, और तेरे जैसों से तो हमेशा चार कदम आगे रहती है। छोड़ो मुझे, कितना पेन ड्राइव कौन बचाता है तेरे को हमारे से? चल अंदर। चल। कहाँ जाएगी हमसे बच के? हमारे घर के अंदर घुस गई, हमारे इरादों पे पानी फेरेगी तू। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। शिव, शिव, चुप करो। अब दिखा शिव को तू क्या दिखाएगी। अब क्या करेगी तू? बुप्पी के इरादों पे नकेल डालने से पहले ना तो बुप्पी से भी ज्यादा कमीना बनना पड़ेगा तेरे को। वाह मामा जी वाह, आज तो आपने कमाल ही कर दी, आपने जमीन खोद दी, मेरी नहीं अपनी। पेन ड्राइव को तोड़ के आज आपने मुझे आजाद कर दिया। जब सबूत ही नहीं रहेगा तो आप ब्लैकमेल कैसे करोगे? हाँ हैं जी मामी जी, मेरे प्यारे मामा मामी जी, अब आपका सामना असली खिलाड़ी से होगा, मुझसे। ना परेशान आपने मुझे और मेरे शिव को किया है ना, सबका गिन गिन के बदला लूंगी मैं। आप दोनों को खून के आंसू ना रुला दिए ना तो मेरा नाम ईशानी शिव थूपर नहीं।
What? What a pleasant surprise, uncle. अरे अरे कोई बॉबी को तो देख लो, ये तो पहले से ज्यादा क्यूट और हैंडसम लग रहा है. Oh, thank you so much. And by the way, congratulations. Thank you. By the way, मुझे टीना कहीं नजर नहीं आ रही. लो जी, आते ही लड़की की नजरें टीना को ढूंढने लगी. हाँ भाई, तो उसको बताया था कि उसके लिए भी सरप्राइज है. आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसे सरप्राइज पसंद आएगा कि नहीं. लो जी, मेरी प्यारी बहन खुद ही आपको वेलकम करने आ गई है. टीना, 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 टीना. हाय. I really missed you, Lauria. I missed you too. अरे क्या बात है भाई, अपने होने वाले मम्मी जी डैडी जी से भी तो मिल लो. हाय आंटी, खुश हो बेटा. हेलो अंकल. वेलकम वेलकम जी. नमस्ते भाई साहब, कैसे हो? मेरी बनाडी जीता रहे. ओ मैं क्या रोहिणी फैन जी, कैसे हो? हालत सुने जो साहब, बढ़िया. चलो आओ बैठो. ओ जी, हम तो एक महीना पहले ही आ जाते, बस बॉबी टीना से मिलना चाहता था और हम बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवलिंग कर रहे थे तो मौका ही नहीं मिला. पर मौका मिलते ही हम सबसे पहले यहीं आए. अरे किरण, तुम थोड़ी डाउन लग रही हो, सब ठीक है ना? की बताऊं मैं रोहिणी भैन जी. क्यों होया? उच जब से नई बहू आई ना इस घर में, हाय उसने ना आते ही मेरी ननन जी को बिस्तर पकड़वा दिया है जी. बस हाय, मैं सच्ची तो कह रही हूं जी. नई बहू? अरे ये कौन है भाई? धुप्पा फैमिली में तो मैंने पहले कभी नहीं देखा इसे. क्या बात है, ये वो क्या, बता तो कौन है. अरे भाई सब चुप क्यों हो गए, कौन है बताओ तो. अब नमस्ते आंटी, मैं शानी, शिव की वाइफ. मैं क्या, वाह जी वाह, अब होगा नया तमाशा ते हुण आएगा मजा और होगी इन धूफरों की बेइज्जती. ओ यार शिव, तूने शादी भी कर ली, बताया भी नहीं. तू तो बड़ा छुपा रस्तम निकला यार. आजकल के बच्चे तो वैसे भी शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं. क्यों शिव, तूने तो ऐसा कुछ नहीं कर दिया. आंटी जी. अरे अखंड सौभाग्यवती भव. किरण खड़ी खड़ी क्या देख रही है, मिठाई खिला भाई, इतनी प्यारी बच्ची है. चल पुत्र तुझे मिलवाती हूँ. ये ऋषि मेरे पति और ये बॉबी. नमस्ते. 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 अरे पुत्र तेरी नई नई शादी हुई है, तूने सिंदूर नहीं लगाया? आंटी मैं बस लगाने ही जा रही थी. बेटा पता है नई नई शादी हुई है, दिमाग में कई सारी चीजें होती हैं. पर बेटा सिंदूर ये तो सुहागन की निशानी होती है ना, और वो क्या कहते हैं, सुहागन के सर का ताज होता है सिंदूर. आंटी मैं भी लगा के आती हूँ. अरे शिव के होते हुए तू कहाँ जा रही है? भाई शिव लगाओ सिंदूर. आंटी इट्स ओके, मैं खुद लगा लूंगी, वैसे भी सिंदूर रूम में है. तू टेंशन मत ले, मेरे पास ना डिब्बी होती है सिंदूर की. ये ले. शिव उठ पुत्र, चल लगा. अरे भाई लगा, क्या हो गया शिव? के अंदर अगर मैंने शिव के हाथ से अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगवाया तो मेरा नाम ईशानी शिव धूपर नहीं.
सुंदर लग रही है, अब लग रही ना दूपर फैमिली की बहू। चल रोहिणी बैठ के बातें करते हैं। आज अरे किरण, ये अनिकेत है, मेरा बड़ा बेटा, शिव का जुड़वा भाई। एक हफ्ता पहले एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट? किरण, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है और बच्चों का भविष्य भी तो देखना है। हाँ आजो जी और बैठ के बात करते हैं। आओ जी प्लीज। आओ जी आओ बैठ। अब छोड़ो इस बात को, हम यहाँ बहुत जरूरी काम से आए हैं, बॉबी और टीना की शादी की डेट फाइनल करने के लिए। अब इतने दिनों के शादी की बात हुए, अब इन दोनों को भी मिलवा देते हैं। क्यों? बिल्कुल सही बोल रही हो। क्यों शिव? यस मां। ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई आपने। हम सारे बड़े दुख से गुजरे हैं इन दिनों, ये हमारे लिए सच में खुशी का मौका होगा। किरण जी, अब हम होटल जा रहे हैं। एक्चुअली आपसे बात करने की जल्दी में एयरपोर्ट से सीधा यहीं चले आए थे। कर दिया ना आपने हमें पराया, होटल में क्यों जाना है? अरे इतना बड़ा घर है, यहीं रह लो ना। अरे बिल्कुल सही बोल रही है, अब सुख में तो साथ देते ही है, पर हम दुख में भी तो साथ देंगे। थैंक यू अंकल। अंकल मेरी और जीज की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, यू गाइस रेस्ट, हम आपसे आके मिलते हैं। अरे शिव, नई नई शादी हुई है, तू घर की बजाय ऑफिस जा रहा है? भाई थोड़ा झप्पी झप्पी पाओ, क्रिसमस करो। दे दे झप्पी, मैं तो अभी भी देता हूँ ऑफिस जाते हुए। अब जा पुत्र। Let's go. See you guys. Sir, आपके सारे वीआईपी गेस्ट आ चुके हैं। ग्रेट, मैंने शिव भाई को भी इन्फॉर्म कर दिया कि गेस्ट 3 से 4 दिन यहाँ रुकेंगे। और हाँ, सारे डिपार्टमेंट के हेड्स को भी इन्फॉर्म कर देना। दूसरा, ये हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, तो इनकी अच्छे से सर्विस करना, और हाँ इनकी तरफ से कोई भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। श्योर सर, मैं सारे डिपार्टमेंट्स को कन्वे कर दूंगी। थैंक यू। और हाँ, रेस्टोरेंट में ना एक टेबल बुक कर देना, हमारे गेस्ट आज यहीं लंच करेंगे। श्योर सर। अरे फ्रेश हो लिए आप दोनों? हाँ जी। अरे लो जी, हमारे दिल्ली वालों की लस्सी मुंबई वालों के लिए। वाह स्मार्ट। गर्मी में वैसे लस्सी पीने का मजा ही कुछ और होता है ना। पता है माँ इतने होंगी ना, तो एग्जैक्टली यही बोलना सी, वो ना सुबह शाम दोनों टाइम लस्सी पींदी है। देखा आपने, इस उम्र में भी मम्मी जी नु भूलते नहीं है, लाडले उनके। मैनु तो एक चीज लगता है कि माँ से बड़ा दर्जा ना किसी का हो ही नहीं सकता। ऐ बात तो एकदम चंगी कही है आपने भाई साहब। वैसे आपका बॉबी है कहाँ? कहाँ होगा, टीना के साथ होगा। वैसे एक बात कहूँ किरण जी, शिव और ईशानी का ब्याह हमारे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग न्यूज था। हमने कॉल करने की बहुत कोशिश की थी पर टाइम ही नहीं मिला। वैसे एक बात बता, ये दोनों मिले कहाँ पर?
और इल्लू की कुंडली मिलवाई थी क्या? वैसे बड़ी चंगी जोड़ी है दोनों की। और फैमिली से बातचीत हुई थी तेरी? वो मैं ये सब छोड़, सबसे पहले ये बता कि परिवार वाले से मिली थी और ईशानी हमारी पंजाबी है या? ओ ना जी, वो तो महाराष्ट्रियन है। महाराष्ट्रियन? अरे ईशानी जी। अंकल बेटा तुसी महाराष्ट्रियन हो? मेरे ना सबसे जिगरी दोस्त भी महाराष्ट्रन है। असी जब भी उसके घर जाते हैं वो ना अपने हाथों से हमको वो खिलाता है, वो महाराष्ट्रन वाला डिश, वो गोल वाला होता है, वो पपू पू, वो पूरणपोली। पूरणपोली बेटा वो ना मेरा फेवरेट डिश है महाराष्ट्रन वाला। प्लीज एक बारी बना दो। आपको पूरणपोली खानी है? हमारे होटल में भी बनती है, मैं वहीं से मंगवा देती हूँ ना। ओ ना जी, हमें बहू के हाथ का स्वाद लेना है। ईशानी बेटा आज तेरे हाथ की पूरणपोली खाएंगे, इनको बहुत पसंद है। अरे बेटा जी, अपने मम्मी जी का ऑर्डर लेने की वेट कर रहे हो? मतलब मम्मी जी की परमिशन लेके जाएगी किचन में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे आधा घंटा दीजिए, पूरणपोली आपके सामने होगा। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू। पता नहीं ये लड़की क्या बखेड़ा खड़ा करेगी किचन में।